नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाळी रह्या छो एस लाइव न्यूज बुलेटिन। नजर नाखीए अत्यार सुधीना मुख्य समाचारों पर। भूमि संपादन नो वटहुकम, खेडूतो माटे लाइव एक्जिबिशन ऑर्डिनेंस बन्यो छे, कांग्रेस नो आक्षेप। सीए फाइनल एग्जाम मां ओपन बुक एग्जाम सिस्टम अमली बनावाशे। अलकेम द्वारा ग्रीन इंडिया विल डिलीवर ए हेल्दी इंडिया नो संदेशो फैलाव, सामूहिक स्वच्छता अभियान योजायो। म्यूजिक मां बदलाव आवतो रहे छे, कहूं दिलबाग सिंगे। ज्वाइंट फैमिली मने पसंद छे, कहूं अभिनेत्री चांदनी। प्रकाश नायक एंड यज्ञेश दवे प्रेजेंट्स चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। पद्मश्री पंकज उदास लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन 23rd May सैटरडे 9 PM एट कन्वेंशन हॉल GMDC ग्राउंड। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। फॉर शो कॉन्टैक्ट नैतिक नायक, मोबाइल नंबर 9558059। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गरीब खेडूतो अने खेती विरोधी मानसिकता धरावती होवानी बाबत न एक वर्ष ना शासन में क्षति थई गई छे। एटलू ज नहीं, मोदी सरकार नो भूमि संपादन वटहुकम 2015 एक खेडूतो माटे खरेखर लाइफ एक्जिबिशन ऑर्डिनेंस बनी गयो छे, तेम लोकसभा कांग्रेस पक्ष ना दंडक अने राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ए जणाव्युं हतुं। अमदावाद खाते पत्रकार परिषद ने संबोधन करता कांग्रेस ना सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ए केंद्र नी नरेंद्र मोदी सरकार नी आकरी झाटकणी काढता जणाव्युं के मोदी सरकार ना एक वर्ष ना शासन मां देश नी कृषि समस्या दिन प्रतिदिन वधु ने वधु गंभीर थती जाय छे। खेडूतने वळतरयुक्त लघुत्तम टेकाना भाव आपवामां वर्तमान केंद्र सरकार एक मायावी जाळ रची होवानो आक्षेप पण हुड्डाए कर्यो हतो। આ ઉપરાંત તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ખેડૂતોને ઘઉં, ડાંગર, કપાસ, શેરડી, અડદ, મગ, જવ, મકાઈ, બાજરી, સોયાબીન, મગફળી જેવા પાકોમાં અપાતા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવમાં અગાઉની કોંગ્રેસ સરકારની સરખામણીમાં વર્તમાન એનડીએ મોદી સરકારે રૂપિયા 10-100 જેટલો સામાન્ય વધારો આપ્યો છે, જે ખેડૂતોની મજાક સમાન છે। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आगामी वर्ष 2017 थी सीए फाइनल मा ओपन बुक एग्जाम सिस्टम अमली बनावा से, तेम आईसीएआई ना प्रेसिडेंट मनोज फडणवीस से जणाव्यु हतु। आईसीएआई नी डब्ल्यूआरआईसी नी अमदावाद शाखा द्वारा पदवीदान समारोह 2015 कार्यक्रम आईसीएआई ना प्रेसिडेंट मनोज फडणवीस फडणवीस ना अध्यक्ष स्थाने अने CATV मोहनदास पाई ना मुख्य अतिथि विशेष पदे योजायो हतो। बोर्ड ऑफ स्टडीज ना चेयरमैन वी मुरली, सेंट्रल काउंसिल मेंबर दिनल शाह, अमदावाद ब्रांच ना चेयरमैन अमरीश पटेल अने सेक्रेटरी सत्येंद्र जा खास उपस्थित रहा था। आ कार्यक्रम में उपस्थित 350 सहित 550 थी वधु विद्यार्थियों चार्टर एकाउंटेंट नी पदवी एनायत कराई थी। मनोज फडणवीसे जणाव्यु के काउंसिल द्वारा सीए ना अभ्यासक्रम में फेरफार करवानुं आयोजन हाथ धरायु छे। अमदावाद चेप्टर ना चेयरमैन अमरीश पटेले जणाव्यु के ब्रांच द्वारा गत 31 मे 2015 ना रोज CACPT माटे मॉक टेस्ट योजाई हती, तेमज ICAI માટે સીએ ફાઇનલ સ્ટુડન્ટની પરીક્ષાના પૂર્વે 8 કલાકના લાસ્ટ મિનિટ રિવિઝનનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો, જેના લીધે વિદ્યાર્થીઓને ઘણો ફાયદો થયો હતો। તારીખ 13 જૂનના રોજ વિમેન્સ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું। इस वर्ष हमारा जो एक मेजर एजेंडा चल रहा है वो है हमारी जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम है उसको हम फाइनल करने जा रहे हैं। 11 फरवरी 2015 को हमने हमारी स्कीम, जो नई स्कीम रहेगी उसको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर पोस्ट करा है। 31 मार्च 2015 तक इस स्कीम पे हमें लगभग 1500 कमेंट्स मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एकेडमिशियन सभी वर्गों से हमें प्राप्त हुए हैं, और अब हम उन सभी कमेंट्स को एनालाइज करके हमने जो स्कीम बनाई है उसको फाइनल शेप देने जा रहे हैं,
उम्मीद है कि जून महीने तक हमारा ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और फिर हम हमारी स्कीम लॉन्च कर पाएंगे। लॉन्चिंग के पहले हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ परमिशंस लगती हैं, हमारा एक रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स लगते हैं, इस पूरे काम में फिर करीब 6 महीने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक हमारी स्कीम सभी दृष्टि से फाइनल हो जाएगी। तभी भी क्षेत्र लोगों द्वारा आयोजित विशाल स्वच्छता अभियान देश 135 शहरों एक साथ जोड़ाया था। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ना स्वच्छ भारत अभियान ना विजन साथे देश नी 5मी विशाल फार्मास्यूटिकल कंपनी अलकेम लेबोरेटरीज इंडिया मेडिकल एसोसिएशन अने मेडिकल क्षेत्र ना लोको द्वारा क्लीन इंडिया विल द डिलीवर द हेल्दी इंडिया नो संदेश फैलाव माटे आ अभियान हाथ धरवामां आव्यो हतो। अमदावाद ना वस्त्रापुर लेक नी आजुबाजू सफाई तेमज रेली द्वारा स्वच्छता नो संदेशो तबीबो द्वारा आपवामां आव्यो हतो। आ संदेशो सरल हतो के जेमां जणावायुं हतुं के स्वच्छताथी 50% जेटला रोगो दूर करी शकाय छे अने मोटुं आरोग्य बजेट घटाडी शकाय छे। आ माटे जरूर छे पोतानी आसपासनुं वातावरण स्वच्छ राखवुं जोईए। भारतभरमां योजायेली आ रेली वखते लगभग 20,000 जेटला डॉक्टर तेमज 3,00,000 जेटला नागरिको अने 900 जेटला अलकेम ना कर्मचारीओ मार्गो उपर जागृति ना बेनर साथे उपस्थित रह्या हता अने पोताना शहेरो ने स्वच्छ राखवा अपील पण करी हती। आ अभियान ना भागरूपे इंडियन मेडिकल एसोसिएशने पण 2.5 लाख थी वधु सभ्यो तबीबो ने बेसिक हेल्थ अने स्वच्छता अंगे नी जानकारी आपी दर्दीओ ने समजावी वधु स्वस्थ भारत बनावानो अनुरोध कर्यो हतो। अमदावाद मां वस्त्रापुर लेक खाते 1,060 जेटला लोको आ अभियान मां जोड़ाया था। अलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड वती प्रहलाद सिंह जाडेजाए जणाव्यु के आजे एक ऐतिहासिक दिवस छे जेमां अलकेम नी दरेक व्यक्ति सफलतापूर्वक स्वच्छ भारत अभियान मां आटला मोटा प्रमाण मां सामेल थई छे जे एक कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पोन्सिबिलिटी नो पण भाग छे जेनो हेतु ए छे के क्लीन इंडिया विल द डिलीवर हेल्दी इंडिया नो संदेशो लोको मां फैलावानो। અલકેમ મેટાબોલિક ડિવિઝનમાંથી અલકેમનો એમ્પ્લોયી છું અને આ ઇનિશિયેટિવ છે અમારું સ્વચ્છ ભારતના રિલેટેડ જે કેમ્પેઇન મોદી સરે સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને અમે પણ એમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે કેમ કે આ એક રિસ્પોન્સિબિલિટી ખાલી સામાજિક પબ્લિકની નહીં પણ એક ઇન્ડસ્ટ્રીની પણ છે અને એટલે જ અલકેમ લેબોરેટરીઝ વન ઓફ ધી બિગેસ્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ટોપ 5 કંપનીઝમાંથી છે એક્યુટમાં નંબર 1 કંપની છે અને ક્રોનિકમાં પણ બહુ ફાસ્ટ ગ્રો કરી રહી છે તો એમાંથી અમે પણ આ ઇનિશિયેટિવ એક લીધું છે અને ડોક્ટર્સને ઇન્વોલ્વ કર્યા છે કેમ કે ડોક્ટરે સોસાયટીના વન ઓફ ધી મોસ્ટ એજ્યુકેટેડ પીપલ છે અને જે કદાચ આજે આવીને ડોક્ટર કંઈ કહેશે કંઈક કરશે ઇનિશિયેટિવ લેશે કોઈ વસ્તુ માટે તો ઓબ્વિયસલી એની ઇમ્પેક્ટ હાઇએસ્ટ આવશે સોસાયટી પર અને નેક્સ્ટ જનરેશન પર। મ્યુઝિકમાં પણ બદલાવ આવતો રહે છે તેમ જાણીતા ગાયક દિલબાગસિંહે કહ્યું હતું। અમદાવાદની મુલાકાતે આવેલા દિલબાગસિંહ તન્નુ વિટ્સ મન્નુ રિટર્ન્સ ના પંજાબી ગુજરાતી ગીત મારી ગલી ના પ્રમોશન અર્થે મ્યુઝિકલ કમ્પોઝર સુરજીન ગાયક અને સુરજન ગાયક દિલબાગસિંહ અને એન એસ ચૌહાણ આવ્યા હતા। દિલબાગસિંહે કહ્યું કે પ્રથમવાર ગુજરાતી પંજાબી ગીત સાથે બન્યું છે તે અમે ફક્ત 2.5 કલાકમાં જ બનાવ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે મ્યુઝિકમાં બદલાવ તો આવતો રહે છે અને તે જરૂરી પણ છે જે લોકો નવી ચીજ પીરસે છે ફિલ્મમાં ગીતોનું મહત્વ વધી જાય છે। મિક્કા હની દિલેર મેદી જેવા ગાયકો બાબતે તેઓએ કહ્યું કે દરેકની સ્ટાઇલ અલગ હોય છે અમારી શરૂઆત છે આજે મ્યુઝિક વધુ મેલોડી ઓછી હોય છે અગાઉ મ્યુઝિક ઓછું હતું હાલ રેપ સોંગ વધુ ગવાય છે ગુજરાતી મ્યુઝિકમાં મને બીટ સૌથી વધુ પસંદ છે જે ગીત સાથે લોકો જોડાય તે ગીત હિટ હોય છે। इनके इंग्लैंड में उस टाइम सुबह रात के शाम के 5 या 7-8 बजे होंगे तो ये लोग अपने हिसाब से तो बड़े फ्रेश थे। मैं बहुत डल था ये लोग मुझे इन्होंने मुझे फोन किया तो मेरी साउंड ऐसा था हाँ हेलो हाँ जी हाँ जी बोलो तो मेरा साउंड कुछ ऐसा था तो बिकॉज मैं सोया हुआ था तो उन्होंने मुझे उठाया कि आप उठो बेटा एक अर्जेंट कॉल है आप एक अर्जेंट काम करना है। मैं उठा मैंने कहा हाँ बताओ तो उन्होंने बोला कि गाना है वो गाना आपको गाना है हम आपको गाना ईमेल कर रहे हैं और हमें अभी चाहिए। मैंने कहा मुझे भेज दो ना कल परसों कर दूंगा सुपर कर दूंगा। बोले नहीं कल परसों का टाइम नहीं है अभी चाहिए राइट वे एक मूवी का गाना है बहुत बड़ी तो हम आपको गाना ईमेल कर रहे हैं तो आप उठ जाओ। तो मैं उठा मैंने जितनी देर में चाय ऑन किया अपना स्टूडियो खोला मैंने काम करने के लिए देन इतनी देर में गाना जाएगा गाना मैंने सुनना शुरू किया तो मैंने देखा कि थोड़ा सा डिफरेंट था डांडिया बीट है लेकिन गाना पंजाबी था जो उन्होंने गा के ऑलरेडी मुझे भेजा था। तो ये लोग बोले कि नहीं सिर्फ 2 घंटे हैं आपके पास हम आपको पूरे 2 घंटे बाद वापस फोन कर रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं गुजरात से एज ए सेट कि इनको पता है कि मैं डांडिया शोज करता हूँ आई एम नोन एज परफॉर्मर सिंगर तो काफी शोज में करता हूँ मुझे थोड़े बहुत डांडिया गाने भी आते हैं गुजराती गाने भी आते हैं।
तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, वो गुजरात से, उनको मैंने रात को 2 बजे उठाया, तो वो भी पहले तो 2:30 बज चुके थे ऑलरेडी, तो मैंने उनको उठाया कि भाई एक काम है छोटा सा, मैं फंस गया हूँ, मुझे काम से निकालो। बोले क्या? मैंने कहा ये मैं गाना एक ईमेल कर रहा हूँ, इस गाने को सुनो, इस गाने के 2 अंतरे मुझे गुजराती में गाने हैं लेकिन मुझे गुजराती आती नहीं है, मुझे लिख के भेजो। मैंने गाना उनको ईमेल किया, वापस उनका फोन आया, भाई तो पंजाबी में, पंजाबी उनको समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने वापस वो सब राइट डाउन किया, जो उनका इनका पंजाबी पार्ट था उसको हिंदी में लिखा, हिंदी में लिख के मैंने उनको भेजा आगे कि आप ये सुनिए और पढ़िए। उन्होंने पढ़ के गुजराती में ट्रांसलेट करके मुझे वापस भेजा गाना। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे इसको थोड़ा एक्सेंट बताओ कि कैसे बोलना है, क्या क्या वर्डिंग है। तो उन्होंने उसी टाइम मुझे एक्सेंट में वॉइस नोट पे भेजा, मैंने वो सब सुना और मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट में मैंने गाना गा भी दिया। और ये सारा जो हम आपको बता रहे बातें, ये सब 2-2.5 घंटे में हमने खत्म करके सुबह 4:30 बजे मैंने गाना इनको वापस भेज दिया। दैट्स द स्टोरी। जॉइंट फैमिली मारे हूँ मने पसंद छे तेम टीवी अभिनेत्री चांदनी बागवानी ए जणाव्यु। जी टीवी पर चाली रहेली सीरियल तुम ही हो बंधु सखा ना साजना ना रोल अदा करी रहेली चांदनी बागवानी प्रमोशन अर्थे अमदावाद आवी हती। चांदनी बागवानी ए आ अंगे जणाव्यु के आ परिवार नो शो छे अने तेमा कोई एक के बे पात्र महत्व नथी अपातु, तेमा फेमिली हीरो होय छे। आज ना समय मा जॉइंट फेमिली खूब ज ओछा જોવા મળે છે। હું જોઈન્ટ ફેમિલી માં રહું છું અને તેમાં રહેવું મને પસંદ છે। એક્ટિંગ નો કોર્સ કર્યા વિના આ ક્ષેત્રમાં હું પ્રવેશી છું, ઘણીવાર ઓડિશન આપ્યા હતા તેમ કહીને ચાંદનીએ ઉમેર્યું કે 6 વર્ષની હતી ત્યારે પપ્પા આ ક્ષેત્રમાં લાવવા ઈચ્છતા હતા। 18 વર્ષની ઉંમરે અમિત તાકા અમિત માં ચમકી હતી। હું પાત્ર મુજબ કામ કરવામાં માનું છું, ઓબ્ઝર્વ કરીને રોલ ભજવું છું। મેં 1.5 વર્ષમાં 17 કિલો વજન ઉતાર્યું છે, જોકે તેણે કહ્યું કે હું ખાવા પીવામાં બાદ રાખતી નથી, પરંતુ સાયકલિંગ, ડાન્સિંગ, સૂર્ય નમસ્કાર, વોકિંગ કરી મારું શરીર હેલ્ધી રાખું છું। મારી બિલ્ડિંગની 7મા માળની સીડી 3 વાર હું ચડું છું, પરંતુ સૂપ, બોઇલ્ડ વેજીટેબલ અને ફ્રૂટ નિયમિત લઉં છું। મારા રિયલ લાઈફ કરતા સોનું પાત્ર અલગ જ છે। હું કોઈ પણ વસ્તુને ફોલો કરતી નથી, વસ્ત્રોમાં પણ મને કમ્ફર્ટ લાગે તે જ વસ્ત્રો પહેરું છું, કોઈનું અનુકરણ કરવામાં માનતી નથી। મને નવરાત્રી ખૂબ જ પસંદ છે, તેમજ સમય મળે વડોદરા નાનીને ત્યાં મમ્મી સાથે પહોંચી જાઉં છું। તો મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।